अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्या होगा के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज की टॉप स्टोरीज। कैप्टन सफदर बीमार, मरियम बेखबर। मैं जेल नहीं जाऊंगा। आज की पहली टॉप स्टोरी, कैप्टन सफदर बीमार, मरियम बेखबर। मरियम नवाज जैसे ही लंदन से वापस आई, फौरी तौर पर अपने दौरे शुरू कर दिए, इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर डाला, कारकुनान के साथ अपनी मुलाकातों का सिलसिला जारी कर दिया। मरियम नवाज इस वक्त इलेक्शन कैंपेन के हवाले से पंजाब के दौरे पर हैं। एक जाने पर मरियम नवाज के दौरे जारी हैं और दूसरी जाने पर इमरान फोबिया भी काफी हद तक उनके सर पर सवार है। मरियम नवाज अपनी इलेक्शन कैंपेन में और अपने जलसों में इस कदर मसरूफ हो गई कि इस बात को ही भूल गई कि मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर बीमार हो गए हैं। कैप्टन सफदर की हालत खराब हुई तो उन्हें पंजाब कार्डियोलॉजी में मुंतकिल किया गया, जहां अब शरीफ फैमिली के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान उनके साथ मौजूद थे। मरियम नवाज इस कदर बेखबर नजर आईं कि अपने शोहर की खबर और तीमारदारी तक करने के लिए ना आ सकी। इस हवाले से सोशल मीडिया पर सारफीन ने कई सवालात उठाए। कुछ लोगों का तो ये कहना था कि मरियम नवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि वो तो अपने नाम के साथ अपने शोहर का नाम तक लिखना पसंद नहीं करती, तो वो इस वक्त कैसे उनके पास आ सकती थी। और कुछ लोगों ने तो ये तक कह डाला कि इन दोनों की अलहदगी इसी बात से साबित हो जाती है, कैप्टन सफदर जबरदस्ती उनके साथ आपको खड़े नजर आते हैं। मरियम साहिबा लंदन से अपने साथ एक नया बयानिया लेकर आई, लेकिन बहुत सारे पार्टी के अरकान को नाराज भी कर डाला। मुल्क के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को हदायत देती हुई नजर आई कि आप इस वक्त सबसे पहले पार्टी के नाराज अरकान को राजी करें। शाहिद हकान अब्बासी, जिनके हवाले से मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से बारह दफा ये बात कही जा चुकी है कि वो हमारी पार्टी में हमारे साथ ही हैं और बेबुनियाद खबरें मीडिया पे फैलाई जा रही हैं, जबकि जराए ने तो यह खबर बताई है कि शाहिद हकान अब्बासी नवाज शरीफ के इस फैसले से काफी नाराज हैं। इस लिस्ट में सिर्फ शाहिद हकान अब्बासी ही शामिल नहीं है, मिफ्ता इस्माइल हो या ख्वाजा आसिफ हो या दीगर अराकीन हो, हर बंदा ही नाराज नजर आ रहा है। इस बात की सबसे बड़ी वजह अपने खानदान में खानदानी सियासत को फरोग देना है, मौरूसियत को फरोग देने की तरगीब दी जा रही है। और मरियम साहिबा के हवाले से पहले भी ये बात कई दफा आपको बताई जा चुकी है कि वो जज्बात की सियासत करना जानती हैं, जबकि शहबाज शरीफ ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की है। एक जानिब यह ख्याल किया जा रहा है कि मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन जराए ने वहां ये बड़ी खबर भी दी थी कि इस हवाले से फिलहाल इदारे इंटरेस्टेड नजर नहीं आते, क्योंकि मरियम साहिबा हमेशा से जज्बात की सियासत करती हैं। मरियम नवाज को पार्टी की नायब सदर मुंतखब करने पे ना सिर्फ पार्टी के सीनियर अराकीन नाराज हैं, बल्कि उनके अपने चचाजाद भाई हमजा शहबाज भी नाराज हैं। जराए ने यह भी बताया है कि जब मरियम ने चचा को यह हदायत दी कि आप पार्टी के तमाम तर सीनियर लोगों को राजी करें और एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, तो हमजा को भी वतन वापस बुला लें, मुझे इस वक्त हमजा की जरूरत है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ तमाम कैंपेन्स में हमजा भी मौजूद हो। जिसके जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं ट्राई कर सकता हूँ कि हमजा वतन वापस आ जाए, लेकिन जराए ने यह खबर दी है कि फिलहाल वक्त तक हमजा शहबाज नाराज हैं और वतन वापस नहीं आना चाहते। एक जानब पर मरियम नवाज और उनका जज्बाती टोला अपनी सियासत में मसरूफ हैं और दूसरी जानब पर जराए ने एक और अहम खबर दी है। मुल्क के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर लंदन में एक अहम सियासी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको बताया था कि बाजवा साहब जब मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे, एक प्लान को तरतीब दिया था जिसे पिंडी प्लान भी कहा जाता है, और उस प्लान के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में सियासत लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत की जाएगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको कई दफा बता चुकी हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मुमकिन हो सकता है। ये ऐसे ही मुमकिन हो सकता है कि जब दोनों हरीफ एक जैसी पोजीशन पर नजर आए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाए तो उस प्लान की बहुत सारी चीजें काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं, जैसे कि केसेस काफी हद तक खत्म हो चुके, सियासी पकड़ धकड़ भी काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, बल्कि ये कहना बिल्कुल बजा होगा कि काफी हद तक सियासी ट्यूनिंग भी कर ली गई है। जराए ने यह भी बताया है कि मुल्क के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी लेवल प्लेइंग फील्ड के हक में बात करते हुए नजर आते हैं
उनकी तमाम तर हिकमत अमली इस बात को जाहिर करती है कि वो इदारे को तमाम तर सियासी चीजों से दूर रखना चाहते हैं। जराए ये भी बता रहे हैं कि बहुत जल्द 621F में तरमीम के हवाले से भी काम किया जाएगा। जराए ने एक और अहम खबर भी दी है। मुल्क के मौजूदा वजीर आजम से मौलाना फजलुर रहमान जब मुलाकात करते हैं तो मीडिया पे यही बताया जाता है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई, महंगाई के हवाले से बात की जाए या मुल्क में सियासी इंतशार के हवाले से बात की जाए, इन तमाम तर चीजों के हवाले से डिस्कशन हुई थी, लेकिन अंदरूनी कहानी कुछ और ही है। जराए ने यह खबर दी है कि मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को हदायत दी है कि किसी भी तरह से इमरान खान को नाअहल करार दो। जनरल इलेक्शन से पहले इमरान खान का नाअहल होना जरूरी है, नहीं तो पीडीएम की सियासत खत्म हो जाएगी। इस हवाले से शहबाज शरीफ ने मौलाना को यह बताया कि मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं, क्योंकि पीडीएम ने जैसे ही हुकूमत ली है हमने इमरान खान के बयानिए को फरोग दिया है, लोगों में इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। मजीद जराए का ये भी बताना था कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से भी बात की है कि अगर इमरान खान नाअहल ना हुए तो तमाम तर सियासी पार्टियों का इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। मजीद मशवरे देते हुए मौलाना का ये भी कहना था कि मैं आपको इस वक्त मशवरा देता हूँ कि आइंदा माह होने वाले असेंबली के इंतखाबात का हिस्सा पीडीएम को नहीं बनना चाहिए। जबकि आसिफ अली जरदारी ने इस हवाले से शहबाज शरीफ को बताया कि आप मौलाना की बात पे अमल नहीं करेंगे, हम असेंबली में होने वाले इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। एक जाने पर मौलाना सियासी तदबीरें करने में मसरूफ अमल हैं और दूसरी जाने पर आईएमएफ के वफ की जानब से एक बहुत बड़ी खबर भी सामने आ गई है। मौलाना चाहे जितनी मर्जी तदबीरें कर लें, पीडीएम चाहे जितने मर्जी मशवरे कर लें, लेकिन आईएमएफ ने अपनी शरायत सबके सामने रख दी है। अवाम के अवामी लीडर तो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर हैं कि जैसे कि आईएमएफ ने तो उन्हें बताया ही नहीं कि आपने आइंदा आने वाले दिनों में क्या बड़े फैसले करने हैं, और अवाम के ये अवामी लीडर अवाम का सामना कैसे करेंगे। नाज़रीन आपको बताती चलूं कि आईएमएफ ने मजीद चीजों की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है, जिसमें पेट्रोल की कीमतें हों, अंदरूनी या बैरून मुल्क फजाई सफर हों, सिगरेट की कीमतें हों, आटे की कीमत हो या एनर्जी ड्रिंक्स हों, इस तरह की तमाम तर चीजों के ऊपर मजीद टैक्स लगाया जाएगा और इस तरह से आवाम मजीद महंगाई के बोझ तले आ जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या मौलाना की चालें और तदबीरें काम करेंगी, क्या आसिफ अली जरदारी के मशवरे काम आएंगे, क्या शहबाज शरीफ महंगाई के इस बोझ से आवाम को निकालने में कामयाब हो सकेंगे, क्या मरियम नवाज इस वक्त जिस तरह की कैंपेन कर रही हैं जनरल इलेक्शन में कामयाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करवा सकेंगी या नहीं। आज की दूसरी टॉप स्टोरी, मैं जेल नहीं जाऊंगा। एक जानब पर अवाम परेशान, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और दूसरी जानब पर सियासी यूटर्न। यूटर्न का नाम जैसे ही आता है तो सर फहरिस्त इमरान खान ही नजर आते हैं। इमरान खान ने एक और यूटर्न ले लिया। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का आगाज क्या किया, कारकुनान तो परेशान ही नजर आए। गुज़श्ता प्रोग्राम में आपको बताया था कि परवेज़ इलाही को भी ये मशवरा दिया गया था, आप अवामी लीडर हैं और आपको भी सियासी गिरफ्तारी देनी होगी, जिसके जवाब ने परवेज़ इलाही ने उन्हें साफ ये बात कह दी थी कि मैं बीमार हूँ और मेरी तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं किसी भी किस्म की इस तरह की सियासत का हिस्सा बनूं। जराए ने यह भी बताया था कि परवेज इलाही ने अपने कुछ करीबी साथियों से यह भी कहा था कि न जाने इमरान खान को यह मशवरा किसने दे दिया और इस तरह की बेवकूफी में इमरान खान का साथ कतन नहीं दूंगा। परवेज इलाही इस बात में अकेले नहीं हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी इस बात में शामिल हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में आपको बताया था कि कारकुनान काफी परेशान नजर आ रहे हैं इस तहरीक के हवाले से। इमरान खान ने इन तमाम तर बातों को देखते हुए एक नया यूटर्न ले लिया। ट्विटर पे ट्वीट करते हुए भी नजर आए कि अगर देखा जाए इस वक्त निगरान हुकूमत कहीं पे भी सूबाई इलेक्शन के हवाले से कोई भी इकदाम नहीं कर रही, अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाए गए तो हम अपनी जेल भरो तहरीक का आगाज कर देंगे, जिसमें सर फहरिस्त मरकजी क्यादत सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी देगी। और जब बात मरकजी क्यादत की आती है तो क्या इमरान खान भी मरकजी क्यादत की लीड करते हुए नजर आएंगे, क्या इमरान खान भी गिरफ्तारी देंगे या नहीं। नाज़रीन, रिहाई के बाद फवाद चौधरी ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब अपनी रिहाई के हवाले से बात की तो आप दीदा हो गए। आजम सवाती भी मीडिया के सामने रो पड़े थे और शहबाज गिल की चीखें भी सबने सुनी थी। इन तमाम तर सूरत हाल के बाद कारकुनान के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई है। फवाद चौधरी, शहबाज गिल, आजम सवाती अकेले नहीं, इस फहरिस्त में शेख रशीद भी शामिल हैं।
जिनके साथ बदतमीजी करते हुए पुलिस अफसरान की वीडियो काफी हद तक वायरल हो चुकी है, जिसमें शेख साहब को क्लियर रोते हुए देखा जा सकता है। कारकुनान के यही तहफ्फुज़ात हैं कि अगर सीनियर क़यादत के साथ इस किस्म का सलूक किया जा रहा है तो एक वर्कर के साथ कैसा सलूक किया जाएगा। मुल्क भर में मौसम तब्दील होने जा रहा है, क्या हमारी जेलों में इस तरह की सहूलियात मौजूद हैं? क्या हमारी जेलों में इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि इतने लेवल की गिरफ्तारियां कर सकें? दूसरी जाने पर तहरीक इंसाफ की तमाम तर सीनियर क़यादत के जिम्मे ये काम लगा दिया गया है कि तमाम तर वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन की जाए और हर हलके से हर सीनियर बंदा अपने साथ 500 लोगों की गिरफ्तारी करवाएगा। अब देखना ये होगा कि आइंदा आने वाले वक्त में ये गिरफ्तारियां होंगी या नहीं होंगी। इमरान खान पहले से ही यूटर्न ले चुके हैं और अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो क्या कप्तान अपने खिलाड़ियों को लीड करते हुए नजर आएंगे या उनको पवेलियन में अकेला ही छोड़ देंगे? मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए मेरा प्रोग्राम क्या होगा।